बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं जो शुरू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। दुकान पे गया था तो उधर से कुछ चीज़ें ली मैंने घर के लिए, काफ़ी सामान लिया था घर का। तो जब मैंने उसे पैसे दिए तो 5,000 उसे मैंने दिया, लेकिन उसने मुझे 5,000 गालबन 3200 या इससे ज़्यादा का बिल बना था। तो जब मैंने उसे पैसे दिए उसके बाद जब उसने मुझे बकाए वापस किए तो उसने मुझे 1500 ज़्यादा दे दिए। तो मैं दोबारा फिर दुकान पे गया, दुकान पे जाके मैंने उसे बोला भाई आपने मुझे 1500 ज़्यादा दे दिए तो ये आपको मैंने वापस कर रहा हूँ। तो उसने मुझे बोला कि भाई मुझे पता था कि मैंने आपको 1500 ज़्यादा दिया है, लेकिन मैं सिर्फ आपका ईमान देख रहा था कि भैया आप मुझे वापस करोगे या नहीं करोगे। लेकिन मैं आपसे कभी मैंने मांगने नहीं थे, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है और आपका ये अखलाकी जज्बा है कि आपने मुझे वापस कर दिए। इधर मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट मैं आप बता रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने उसके जब पैसे वापस किए तो मुझे उसने कहा कि भाई मैंने सिर्फ आपको आजमाया है कि ईमान कितना मज़बूत है आपका। तो मैंने कहा भाई बहुत शुक्रिया अगर आपने मुझे आजमा लिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं था लगा कि मैं आपके वो 1500 रुपये अपने पास रखूं, क्योंकि आप भी हलाल कमा रहे हैं और मैंने भी अपनी हलाल कमाई से आपको दिए हैं जी। तो ये आपका क्या नाम है? हैं जाइना। और आपका क्या नाम है? क्या देव है? सेब केरा सेब। और ये हमारी प्यारी सी जैनब। तो जैनब हसन कह रहा था कि सेब को साथ लेके और गांव जाना कि नहीं है, गांव चले। Don't you know?